आज के इस एपिसोड में आप लोग इंसानी ताकत से चलने वाले बेहतरीन इन्वेंशंस देखने वाले हैं, जिन्हें देखकर शायद आप लोग चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानी ताकत से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली मोनोरेल अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के रोटोरुआ एडवेंचर पार्क में लोकेटेड है। ये मोनोरेल लाइन 656.2 फीट लंबी है और जमीन से 6 फीट ऊंची है। इस मोनोरेल पर आप लोग फैमिली कंपटीशन भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी पूरी ताकत लगाकर 28 माइल्स पर आवर की स्पीड से इसे चला सकते हैं। राइड के साथ साथ आसपास के नज़ारे का भी आनंद ले सकते हैं। अभी जो व्हीकल आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी पुरानी विंटेज कार की मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बाईसाइकिल है, जिसमें कि आप लोग कार और बाईसाइकिल का एक साथ मजा लेने के साथ साथ इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाईसाइकिल की स्पीड 28 माइल्स पर आवर है। इसमें आप लॉन्ग राइड में भी बोर नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा है। इसके साथ ही इसमें 6 USB पोर्ट वाला 20,000 mAh वाला पावर बैंक भी लगा है। ये पॉकेट साइज सबमरीन फ्रांस के क्रिएटर्स ने इन्वेंट की है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और रेस्क्यू डाइवर्स के लिए शानदार व्हीकल है। इसके दो वेरिएंट, पैडल ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव, मार्केट में अवेलेबल है। इसे आप लोग 197 फीट गहराई में ले जा सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन एक बार चार्ज करने पर 2 घंटे चल सकता है। कार्बन फाइबर और पॉलीमर से बनी 9 फीट लंबी इस सबमरीन में 2 प्रोपेलर लगे हैं, जिनकी मदद से ये सबमरीन 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अभी जो होममेड एयरक्राफ्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, होकाइडो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के स्टूडेंट्स ने इसे अपने हाथों से बनाया है। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है। हाई स्टेमिना और स्ट्रॉन्ग लेग्स वाला कोई भी स्टूडेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे हवा में उड़ा सकता है। इसका टेस्ट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, बल्कि टाकीकावा स्काई पार्क के स्मॉल एयरफील्ड पर किया गया था। इसे हवा में उड़ाने के लिए कुछ साथियों ने भागकर इसे धक्का लगाकर पायलट की मदद भी की थी। अभी जो बेहतरीन और इंटरेस्टिंग 2-सीटर वेलो मोबिल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लगी बैटरी की मदद से इसे आप लोग 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। अगर आप इसे और ज्यादा स्पीड से चलाना चाहते हैं, तो इसमें लगे पेडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लगे हाईवे टायर्स को ग्रेवल रोड टायर्स में भी चेंज किया जा सकता है। इसमें आपको रियर व्यू मिरर, हेडलाइट्स और टर्न लाइट्स भी मिलती हैं। इसके बेहतरीन डिजाइन की वजह से इसे यंग और ओल्ड जनरेशंस के लोग आसानी से चला सकते हैं। इसकी खास बात है, इसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे दोस्त, इस एपिसोड में दिखाए गए इनक्रेडिबल ह्यूमन पावर्ड इन्वेंशंस आपको कैसे लगे, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड बाय।